आज मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स और व्यू डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ में एक बढ़िया सा स्टॉक अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग है, निफ्टी पे भी सीखने के लिए है, यानी इंडेक्स में आपने किस तरीके से ट्रेड करने चाहिए इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल इसी चार्ट पे है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के फ्यूचर के लेवल और व्यू के साथ। ये देखिए मेरे पीछे आपको ये चार्ट दिख जाएगा, ये नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट है। अब शुरुआत करता हूं लर्निंग से। अब ये चार्ट देखिए, ये आपको ये कैंडल दिख रही है, एक मिनट मैं क्रॉसर को एरो कर देता हूं। ये वाली जो कैंडल है 5 जुलाई की, 5 जुलाई की जो कैंडल है, इसमें ये आपको ऊपर में कैंडल पे ये ऊपर में स्टिक बना हुआ दिखता है, यानी ये मैं अगर कैंडल पे ले आऊं, एक मिनट डेटा विंडो खोल देता हूं, यानी आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, अब मैंने उस कैंडल पे कर्सर लिया है। अब मेरे ऊपर यहां पे आपको इसका डेटा दिखेगा, ओपन हाई लो क्लोज वगैरह दिखेगा, डेट है ऊपर में, डेट ओपन हाई लो क्लोज, इस तरीके से आपको ये डेटा दिखेगा। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि निफ्टी 5 जुलाई को ये ओपन हुआ 15757 और ऊपर में इसने एक हाई किया 16546, दिख रहा है ना, कितना 700-750 ऊपर निफ्टी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ट्रिक ट्रेड हुआ। ट्रिक ट्रेड यानी क्या? एक वन ऑफ ट्रेड, किसी डीलर ने, ब्रोकर के पास जो डीलर पे जो लोग बैठते हैं, वो डीलर ने किसी ने पंच कर दिया निफ्टी फ्यूचर का ऑर्डर, और ये बाइंग ऑर्डर है, और ये मार्केट ओपन के वक्त हुआ है, और वो उसने मार्केट ऑर्डर डाल दिया। तो जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हो, जिस तरीके से आपको पता होगा कि आप ऑर्डर दो तरीके के डाल सकते हैं, एक तो लिमिट वाला ऑर्डर डाल सकते हैं, दूसरा मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं। तो आप जब लिमिट ऑर्डर डालते हैं तब आप एक प्राइस देते हैं कि हाँ, इस प्राइस में मुझे ये स्टॉक या ये इंडेक्स, ये मुझे बाय करना है या सेल करना है, व्हाटएवर, है ना। और जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हो तब आप ये कहते हो कि जो कुछ मार्केट में प्राइस होगा उस प्राइस में मुझे वो स्टॉक बाय करना है। सो अगर बाय ऑर्डर डाल दिया आपने, तो इस तरीके से आपका ये ऑर्डर होता है कि जो कुछ प्राइस होगा उस प्राइस में मुझे बाय करना है। तो समझ लीजिए कि कोई 100 रुपए का शेयर है और उसमें उसमें जो सेलर है 101 को एक 100 शेयर का सेलर है, 102 को एक 100 शेयर का सेलर है, 103 में 100 शेयर का सेलर है, 104 में 100 शेयर का सेलर है, और 105 में 100 शेयर का सेलर है, और आपको 500 शेयर बाय करने हैं, और फिलहाल प्राइस 100 रुपया है, यानी लास्ट ट्रेड जो हुआ है वो 100 रुपए का है, और आपने अगर मार्केट ऑर्डर डाल दी 500 शेयर बाय करने के लिए, तो क्या होगा, आपके ऑर्डर ये एग्जीक्यूट होते होते 105 तक चली जाएगी, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर डाला है, आपने ये बोला है सिस्टम को कि मुझे मार्केट में जो कुछ प्राइस होगा उस प्राइस में मैं लेने के लिए तैयार हूं ये 500 शेयर। समझ में आ गया? तो आपका 100 शेयर आपके लिए 101 में बाय हो जाएंगे, 102 में होंगे, 103 में होंगे, 104 में होंगे, और 105 में होंगे, आपके 500 होने के बाद सिस्टम बंद हो जाएगी। सो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। और समझ लो आप 100 रुपए में 100 रुपए के भाव में 500 शेयर बाइंग के लिए रख देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप बेस्ट बायर बन जाओगे 500 शेयर के साथ। तो जब आप वो F5 या F6 करके जब आप देखते हो बेस्ट टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स, तो उसमें आपको आप खुद को देख सकते हो वहां पे। समझ में आ गया? तो मार्केट ऑर्डर के वजह से इस तरीके का फ्रीक ट्रेड हुआ है। हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो मार्केट ऑर्डर नहीं डालनी चाहिए, कोई तो प्राइस डालिए और फिर आप ट्रेड डालिए। इससे क्या होगा, ये जो यहां पे जो गलती हो गई कि मार्केट ऑर्डर डालने के वजह से वो एग्जीक्यूट कहां पे हो गया, स्टॉक ओपन हुआ, यानी निफ्टी का फ्यूचर ओपन हुआ था 15757 और वो जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 16546। समझ में आ रहा है आपको? 700-800 पॉइंट ऊपर जाके बाय कर लिया फ्यूचर, क्या मतलब है इसमें? और ये कब होता है? लिक्विडिटी कम होती है, जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है उसमें ये होता है। अब मुझे ये इस बात का सरप्राइजिंग, ये मैं इतना आश्चर्य इस चीज का हो गया कि निफ्टी फ्यूचर है, ये
निफ्टी फ्यूचर तो टॉप 5 इंस्ट्रूमेंट्स में है वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 5 इंस्ट्रूमेंट्स में वॉल्यूम वाइज जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी ये हो सकता है। अरे यार फिर तो मार्केट में किसी भी स्टॉक और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हो सकता है ये, तो समझ में आ गया। तो इसमें सीखने वाली बात ये है कि कभी भी आप ऑर्डर प्लेस करते समय एक प्राइस डालिए और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कीजिए, ताकि ऐसा ना हो इनलिक्विड हो इंस्ट्रूमेंट तो आपका कहीं पे भी जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, तो ऐसा ना करें। एक प्राइस डालिए, आपको लगता है कि आपको इस चीज का डर होगा कि अरे मुझे बेचना है और नहीं बिका तो क्या, तो आप 2 रुपए नीचे डालिए, जो बेस्ट बायर आपको दिख रहा है वो प्राइस डाल के डालिए, या बेस्ट बायर के नीचे वाला प्राइस डाल के डालिए, लेकिन कोई तो प्राइस डालिए। बाइंग करते समय जो बेस्ट सेलर है वो प्राइस डालिए, या बेस्ट सेलर के ऊपर वाला सेकेंड वाला जो है वो प्राइस डालिए, कुछ तो प्राइस डालिए। अगर प्राइस नहीं डाला तो ये हो सकता है, ये समझ में आना चाहिए आपको, प्राइस डाल के मार्केट ऑर्डर नहीं डालना, ठीक है, ये सीख लिया। तो चलिए अब ये निफ्टी का चार्ट, इस पे स्टडी है, जब स्टडी होता है ना चार्ट पे तो व्यू और सब कुछ आराम से समझ में आ जाता है। ये चार्ट देख के बाकी मेरे को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ गया। पिछले 3-4 हफ्तों से देखिए ना निफ्टी, ये ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन, ये दोनों के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज, है ना। इसी तरीके का अपडेट मेरे तरफ से आपको लास्ट वीक आया था ना व्हाट्सएप पे। तो ये रेंज बाउंड जो कंसोलिडेशन है फिलहाल निफ्टी का, ये बढ़िया है, अच्छी बात है। भागेगा भागेगा कितना भागेगा, थक जाएगा ना, और अगर बहुत ही थक गया तो गिर भी सकता है, तो गिरने से अच्छा है यार शांति रख, है ना, बैठेगा शांति से आराम करेगा, बाद में निकलेगा तो बढ़िया होगा, उल्टा सिर्फ भगाओ 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 भगाओ, अरे एक दिन गिर जाएगा वो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंसोलिडेशन बढ़िया है, अच्छा कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन के बाद जो मूव होगा वो अच्छा होगा, हमेशा होता है, हमेशा होता है, इंडेक्स में नहीं स्टॉक्स में भी कंसोलिडेशन के बाद वाला मूव बढ़िया होता है, क्योंकि तब तक ताकत बिकत सब मस्त आ गई होती है ना, है ना। तो लेवल्स कौन से वॉच करने हैं, तो कल के लिए मंडे के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का वो 15,641 है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का वो 15,755 है, ठीक है, ये इमीडिएट लेवल्स है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, ये जो ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ब्लू कलर की और रेड कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। तो रेंज का जो निचला लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है वो 15,509 है, ये इंपॉर्टेंट है, और 15,465, तो 15,509 और 15,465 ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और ऊपर का जो रेंज है वो 15,930 है। ये वन ऑफ वाला ट्रेड रहेगा, लेकिन वो बाद की बात है और वो लंबा है, 700 पॉइंट बाद में है। तो 15,930 ये ऊपर का रेजिस्टेंस, और 15,509 और 15,465 ये नीचे वाले सपोर्ट्स, इस तरीके का रेंज बनाए निफ्टी के लिए। तो ये रेंज, ये लेवल्स और रेंज का यूज करके आप इसमें ट्रेड भी बना सकते हैं, लेकिन कब, जब सपोर्ट पे रहेगा तब, या जब रेजिस्टेंस के आसपास रहेगा तब, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर या नीचे कहीं पे भी। अब भी फिलहाल ये दो लेवल्स के बीच में है, तो बीच में कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि बीच में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है इसके नीचे है, बीच में सबसे ज्यादा रिस्क, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो और इंट्राडे में भी एक फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड रहेगा, चौपी ट्रेड रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा गिरेगा कि आपको लगेगा अरे यार खत्म बस बिकवाली, दोपहर में अरे आ गया ना ऊपर खत्म, तो इस तरीके का, यानी ऊपर नीचे सब जगह का ट्रेड रहेगा। और इस दौरान इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको कैसे पता चलेंगे, एक तो ऊपर प्रिसिजन असिस्ट में पता चल जाएंगे ऊपर यहाँ पे, और दूसरा जो है वो मेरे, आप अगर ये देखिए ऊपर प्रिसिजन असिस्ट में,
और दूसरा मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में अगर आप हो तो मेरी तरफ से अपडेट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो पीरियड है ना, ये थोड़ा लो प्रोफाइल रखने वाला पीरियड है ना। और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी जो आप पिक करोगे उसमें आंख में तेल डाल के वो स्टॉक्स पिक करने, ये ध्यान रखिए। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी भागेगा, कोई भी भाग लेगा, अरे ये भाग रहा है, अरे ये भाग रहा है, अरे ये भाग रहा है, मत भागिए उसके पीछे। सही में दो तीन महीनों से ये चला, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ये। तो इसलिए आपके जो स्टॉक्स है ना वो सावधानी से सिलेक्ट कीजिए और बिना भूले स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये समझ में आ गया आपको? बैंक निफ्टी मैंने ओपन करके रख दिया है, पूरा स्टडी भी है उस पर, यानी कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं। कहां पे गया? हाँ ये देखिए, ये विंडो को मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी। हाँ चलिए, ये बैंक निफ्टी, इसमें भी स्टडी प्लॉटेड है, लेवल्स भी रख दिए हैं, यानी आपको आसानी रहेगी समझने में। ये भी रेंज बाउंड है, देखिए ये नीचे की जो दो ब्लू कलर की लाइन से ये सपोर्ट बनती है, मेजर यानी जो रेंज है उस रेंज का लोअर एंड है ये दो ब्लू कलर की लाइंस, और ये जो ऊपर की रेड कलर की लाइन है वो अपर एंड ऑफ द रेंज है। लेकिन बीच में भी लेवल्स है क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है। ये देखिए ना, नीचे 34,000 से ये 36,000, 2000 पॉइंट का रेंज है ना। तो इमीडिएट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मंडे के लिए वो तो इसी कैंडल का लो और हाई रहेगा। तो लो रहेगा 34,980 का, यानी वो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, और जो हाई है 35,372 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा मंडे के लिए। इसमें भी चौपी ट्रेड होने वाला है। और एक जो मैं बार बार कहते आया हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जब तक बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक ओवरऑल मार्केट ने, यानी हेवी वेट्स और इंडेक्स निफ्टी ये और ये रेंज से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत सपोर्ट जरूरी है, और पिछले डेढ़ दो तीन महीनों से दो महीनों से इंडेक्स हेवी वेट्स जो हैं, यानी सिर्फ बैंक्स नहीं बैंक्स के बाहर वाले, उनमें भी कंसोलिडेशन है। तो इसलिए ये जो कंसोलिडेशन ही, और कंसोलिडेशन हमेशा डिफिकल्ट होता है ये ध्यान में रखिए। कंसोलिडेशन में जब अटकते हैं, कोई पोजीशन बना लेता है और वो कंसोलिडेशन में जब अटक जाते हैं तो बहुत टेस्टिंग पीरियड होता है। अरे अब जाएगा क्या, अब जाएगा क्या, अब जाएगा क्या, अब जाएगा, और जाता नहीं कहीं, वहीं पर रुक जाता है भाव। तो वो बहुत टेस्टिंग पीरियड होता है। तो इसलिए ये लेवल्स का यूज कीजिए, ये कंसोलिडेशन में ये ध्यान में रखिए। कंसोलिडेशन में सबसे बढ़िया ट्रेड कब बनता है? तो सपोर्ट पे बनता है और रेजिस्टेंस पे बनता है, क्योंकि वहां पे रिस्क सबसे कम होती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो नजदीक होता है, ये ध्यान में रखिए। इस केस में भी रेंज के बीच में है फिलहाल प्राइस, यानी रिस्क सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा सा इंडेक्स में लो प्रोफाइल रखना जरूरी है। अब आज के सेशन का इंपॉर्टेंट वाला स्टॉक आपके लिए, स्टडी करेंगे, यानी आपको सीखने को मिलना चाहिए प्लस समझ में भी आना चाहिए क्या है इसमें। अच्छा, ये है कीटेक्स गारमेंट्स। ठीक है, अब ये है डेली चार्ट। हमेशा जैसे मैंने आपको, यानी हमें हर एक वीडियो में मैं ये बताता हूं, फिर से एक बार बोलता हूं, जब भी एक स्टॉक पे व्यू लेना होता है तो शुरुआत करनी होती है मंथली चार्ट से, फिर वीकली पे आते हैं और फिर डेली पे आते हैं। तो मंथली पे आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता है, वीकली पे एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मिलता है, और फिर डेली पे एक शॉर्ट टर्म व्यू मिल जाता है ना। तो ये है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट देख के कैसा छोटा चार्ट होता है ना, एक साल भर का व्यू आपको स्क्रीन पे दिखते होता है तो अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती। अरे हाँ क्या साल भर में क्या, हाँ ठीक है ये 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी तो एक मूव दिया 140 के आसपास है, ये समझ में आता है। लेकिन बाकी जो आपको मंथली और वीकली चार्ट बताएगा वो डेली चार्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ये पीरियड कम होता है ना। तो डेली चार्ट आप जब ओपन करते हो तो एक साल का व्यू मिलता है, वीकली जब ओपन करते हो तो चार साल का व्यू मिलता है एक स्क्रीन पे, है ना। और जब आप मंथली चार्ट ओपन करते हो तो आपको 15-20 साल का व्यू एक स्क्रीन पे मिल जाता है। तो आपको इमीडिएट वो लेवल्स वगैरह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इंटरेस्टिंग है, वो उस पर बेहतर समझ में आता है। इसके लिए एग्जाम्पल एक बढ़िया सा क्या है,
कि समझ लो कि आप एक 50 मंजिल वाले टॉवर में रहते हैं, तो आप फर्स्ट फ्लोर से अगर देखोगे तो आपको कितना व्यू दिखेगा, और थर्ड फ्लोर से अगर देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर से बेहतर व्यू दिखेगा, टेंथ फ्लोर पे अगर आप जाते हो तो थर्ड फ्लोर से ज्यादा बेहतर व्यू दिखेगा, और अगर 50वें फ्लोर पे जाते हो तो आपको सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा, है ना। उसी तरीके का ये टाइम पीरियड्स जो होते हैं मंथली उसी तरीके से काम करते हैं, और डेली यानी क्या, तो आप लोअर फ्लोर पे हो, कम व्यू छोटा व्यू इस तरीके का, ठीक है। अब तो इसको मैं मंथली कर देता हूं, ये देखिए मंथली कर दिया, है ना। अब 2012 से ये चार्ट लाइफ टाइम चार्ट ओपन है, यानी जब से ये ट्रेड करना शुरू किया है तब से ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे पीछे का आपको दिखेगा नहीं प्राइस, लेकिन ये 2012 से है, ओके। इसने ये 2015 में ये हाई किया था 767 का, और तब से ये एक डाउन ट्रेंड में, सो पिछले 6 साल से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, दिख रहा है आपको ये चार्ट पे, क्लियर है ना, ओके। अब कोई भी चार्ट पे जब व्यू बनाते हैं पहले तो देखना होता है, ये देख लिया हमने चार्ट, देखने के बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है सबसे सिंपल, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना होता है। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, एकदम सादा सिंपल रखना है। जैसे मैंने बोला है हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, सबसे सिंपल वाला टूल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसमें जो आज की प्राइस है उसको अगर कंपेयर करते हैं तो जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़िया बड़ा वाला दिखता है यानी टॉप और बॉटम, वहां पे जाके क्लिक कर देना है। और आपने कहीं पे भी क्लिक किया तो बाद में एडजस्ट कर ही सकते हैं, तो ऐसा कुछ गलती वाला बात नहीं होता है क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैं यहां पे ये लाइन कहीं पे भी प्लॉट कर देता हूं, ये देखिए मैंने प्लॉट कर दी, ये लेवल है नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं, आपको जस्ट दिखा रहा हूं। इसको मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं और इसको कलर कर देता हूं, ये रेड कर दिया, देखो हो गया। अब इसे मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं, तो आज का जो कैंडल है उसको कंपेयर करते हुए अगर ये यानी ये प्राइस यहां से ऊपर चलेगा तो रेजिस्टेंस कहां पे बनता है ये आपने देखना है। तो ये देखिए ये वाला जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस बनेगा, है ना। तो इस कैंडल का हाई क्या है, तो 171.10 है, 171.10, तो वहां पे हमने ये प्लॉट कर दिया लाइन, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। और अब अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई करना हो आपको तो आज की कैंडल आज की प्राइस से कंपेयर करते हुए नीचे अगर आ जाते हैं तो कहां पे रहेगा, तो ये देखिए ये यहां पे है, यहां पे है, तो बड़ा वाला जो सपोर्ट है वो ये लेवल पे है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं यानी आपको, और ब्लू कलर कर देता हूं यानी आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिख गया, ये दिख रहा है। और तो आपको अब ये लाइन प्लॉट करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मई 2018 में ये स्टॉक ये 171 के लेवल के नीचे आ गया, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे, और तब से यानी 3 साल से ये स्टॉक 171 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है, तो कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो कंसोलिडेशन है इसको बोलते हैं बेस बनाना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक स्टॉक गिरता है, ठीक है, जब एक स्टॉक गिरता है तो गिरते 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 नीचे आ रहा है, अब वो सीधा नहीं आया, यहां पे देख सकते हैं आप गिरा, फिर उसके बाद एक दो तीन चार महीनों का यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर से गिरा, फिर से यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर से गिरा, गिरते गिरते यानी सीधा नहीं आया, कंसोलिडेट करते 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 आ गया, यानी क्या। तो अगर ये बिजनेस को कंपेयर करते हैं तो बिजनेस एक दिन में या एक महीने में बिजनेस डायरेक्ट नीचे नहीं आया, बिजनेस एक डाउन ग्राफ चालू हुआ बिजनेस का 2015 में, और जो कंटिन्यू हुआ अगले 3 साल। इसलिए जैसे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जो स्टडी करते हैं इसके फंडामेंटल्स, उनको जैसे 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 पता चलते गया वैसे वैसे वो प्राइस एडजस्ट होते गया, प्राइस का जो वैल्यूएशन है कम होते गया और भाव नीचे आया। इस तरीके का एक कोरिलेशन होता है प्राइस मूव और बिजनेस में। अब ये जो पिछले 3 साल का जो यहां पे जो कंसोलिडेशन है, जिसे मैंने आपको बोला कि ये बेस बना रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टॉक अब जो बिजनेस गिरा, भाव गिरा, बिजनेस गिरा और इसलिए भाव नीचे आ गया, अब
एक ऐसे लेवल पे ये प्राइस आ गया कि अब ये प्राइस बिजनेस को डिस्काउंट कर रहा है, यानी क्या, इक्वल इक्वल, जैसा बिजनेस है वैसा प्राइस है, ठीक है। अब और इसने पिछले 3 साल से यहां पे बेस बना लिया है, समझ में आ रहा है आपको, यानी जो कुछ ये कंपनी ने खराब देखा वो सब देख लिया पिछले 5 सालों में, और ये करंट लेवल पे अब ये बेस बना रहे, यानी इसने एक फाउंडेशन बना लिया, है ना। जितना बढ़िया फाउंडेशन होता है ना, उतना बढ़िया उसके ऊपर आप एक मंजिल बना सकते हो। अगर कम यानी वीक फाउंडेशन हो तो शायद एक ही मंजिल, एक ही फ्लोर आप चढ़ा पाओगे उस पे, लेकिन बड़ा सा फाउंडेशन है तो उस पे आप 10 फ्लोर भी चढ़ा सकते हैं, है ना। तो जितना फाउंडेशन अच्छा होता है उतना आगे जाते हुए एक मूव बड़े बढ़िया सा देखने को मिल सकता है। अब ये फिलहाल भी बेस ही बना रहा है, तो इसमें यानी अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एस्टेज बना नहीं है। तो वो बनेगा कब, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यानी 171 का जो ये रेजिस्टेंस लाइन हमने प्लॉट कर दिया रेड कलर का, उसके ऊपर जब ये मंथली क्लोजिंग पे क्लोज देगा, या उसके ऊपर जब तक ट्रेड करना चालू करेगा, तब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी ये इंटरेस्टिंग बनेगा, है ना। क्योंकि इतने सालों के बाद 3 साल बेस, 6 साल का फॉल, 3 साल का बेस, और फिर एक टर्न अराउंड होगा उसके बाद 171 के बाद। तो मंथली पे अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये फॉल हो गया, बेस भी बना लिया इसने, 3 साल से बेस बना रहा है, और 171 का लेवल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे में 74 का भी लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत नीचे है लेकिन है नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर में 171 वाला ये लेवल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गया मंथली चार्ट, ठीक है। अब आते हैं वीकली चार्ट पे। अब ये देखिए, इसको मैं वीकली कर देता हूं। अब ये वीकली पे आपको वो जो लेवल्स हैं वो छोटी छोटी दिख जाएंगी, है ना, यहां पे दिख रहा है पूरा चार्ट। हाँ, यस। अब ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 3 साल का चार्ट है, यानी जब वो ये यहां पे देखिए, ये जब वो 171 के नीचे आ गया तब से वाला ये चार्ट, पूरा बेस जो है नीचे में बना रहा है वो वाला ये चार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी तो 171 के बाद बनेगी, ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज करके आज 100% क्वांटिटी नहीं आप एंटर कर सकते, क्योंकि आज आप 100% क्वांटिटी एज एन इन्वेस्टर अगर एंटर करोगे तो चार्ट बोलेगा अरे भाई मैंने तो तेरे को इनविटेशन दिया ही नहीं, मेरा तो इनविटेशन 171 के बाद बनने वाला है फॉरेन इन्वेस्टर, तो तू इन्वेस्टर बन के आज कैसे आ गया, बोलेगा ना प्राइस। तो इसलिए 100% क्वांटिटी आप करोगे तो रिस्क आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब वो कैसे मैनेज करना है वो बोलता हूं। अब पहले ये वीकली चार्ट देखते हैं। अब अगर आप ये वीकली चार्ट देखो, अब यहां पे भी सेम करेंगे जैसा हमने मंथली पे किया, हॉरिजॉन्टल लाइन में सिलेक्ट कर लेता हूं और इस पे लेवल्स प्लॉट कर देता हूं। अब ये करंट कैंडल है, करंट कैंडल के ऊपर बड़ा सा रेजिस्टेंस कहां पे है, तो ये जो हमने प्लॉट किया रेड वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन 171 वही है, बढ़िया। तो एक तो हमारा काम हो गया सेम लेवल। अब दूसरा है नीचे में सपोर्ट कहां पे, तो ये देखिए, एक तो ये वाली कैंडल है, ठीक है, यहां इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ब्लैक ही रख देता हूं, ठीक है। और एक ये लेवल है, देखिए ये वाला जो है इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा सा जूम करके आपको ये आप ये चार्ट दिखा देता हूं। अब ये जो दो ब्लैक कलर की लाइंस मैंने प्लॉट की हैं, कितनी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, देखिए एक लेवल नहीं है, मल्टीपल लेवल्स हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इंपॉर्टेंट कब होती है, जब उन्हें हिस्ट्री में भी यानी पीछे जाके भी उनको बैकिंग मिलता है लेवल का, प्राइस ने कभी तो रिस्पेक्ट किया होता है, जैसे कि इस केस में। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर 135.60 वाली अगर लेवल देखो आप, तो 2018 में यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद ये अभी जून में भी यहां पे एक रेजिस्टेंस बना था, है ना, इंपॉर्टेंट है, 2018 में बना और फिर उसको याद रखा प्राइस ने और जून 21 में फिर से एक बार रिस्पेक्ट कर लिया, है ना, इंपॉर्टेंट। और ये नीचे वाला भी लेवल देखिए 120.50 वाला, इसको भी यहां पे
2018 में इसने सपोर्ट का काम किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे देखिए 19 में रेजिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है 20 में, और ये थ्रू आउट 20 और 21 ये थ्रू आउट रेजिस्टेंस, कितनी बार रेजिस्टेंस का काम किया देखो, यानी आपको समझ आया कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड है या नहीं वैलिड, ये कौन आपको बताएगा? प्राइस, दूसरा कोई नहीं, प्राइस ही बताएगा। प्राइस इज भगवान, अपना सब कुछ प्राइस, प्राइस बताएगा। ठीक है, तो ये हमने लेवल्स यहां पे प्लॉट कर दी। अब थोड़ा सा जूम करता हूं और लेटेस्ट वाला चार्ट दिखाता हूं, यानी पिछले एक डेढ़ साल का चार्ट देखेंगे। अब ये देखिए, अब ये अगर एक डेढ़ साल का अगर आप चार्ट देखो तो आपको ये समझ में ये दिखेगा दो लेवल्स 120 और 135 का। ये 120 और 135 पिछले एक डेढ़ साल से तो कितनी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये प्राइस, है ना, जाता था वहां पे, वहां से नीचे आ जाता, जाता था वहां नीचे आ जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस प्राइस को ऊपर जाने के लिए बिजनेस से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। प्राइस अकेला नहीं जा सकता है, बिजनेस अगर जाएगा तो ही प्राइस जाएगा, या एक्सपेक्टेशन होगा तब प्राइस जाएगा। तो और डेढ़ साल बाद अब जाके ये प्राइस इसके ऊपर गया है ना, तो ये पॉजिटिव, समझ में आ रहा है आपको? नीचे में वॉल्यूम देखिए बढ़िया सा है वगैरह वगैरह, राइट। तो 135 और 120 ऐसा सपोर्ट बनता है फिलहाल इस स्टॉक के लिए, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 171 का रेजिस्टेंस पर। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं, ये लेवल, ये 135 और 135 और 120 ऐसा ये सपोर्ट है। इसको बड़ा कर देता हूं, यानी आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, और ये ऊपर वाला जो लेवल है ये क्या है? तो ये 171 का है, ये भी लिख देता हूं, ये रेजिस्टेंस है 171 का। तो इसका अब इसका मतलब क्या होता है कि जब तक ये प्राइस ये 135 और 120 का जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट करता है, तब तक ये प्राइस ये 171 के लेवल को एम करेगा। वो तो पहला रेजिस्टेंस है ना, इसलिए पहला एम कहां पे करेंगे, तो वहां वहां तक ही दिख रहा है ना अभी फिलहाल। अभी फिलहाल तो प्राइस को, जैसे फॉर एग्जांपल हम रोड से जाते हैं तो अगला लाइट का पोल ही दिखता है ना, एक किलोमीटर बाद वाला लाइट का पोल दिखता नहीं है ना अपने को, है ना, उसी तरीके का है। तो क्योंकि फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू है ना, तो 171 दिख रहा है, 135 120 का सपोर्ट है। तो 135 और 120 के लेवल के ऊपर जब तक बना है तब तक 171 की एम करेगा। अब ये तो हो गया व्यू, अब ये व्यू फेल कहां पे होगा ये भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं मालूम होगा तो मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूंगा, है ना। तो 135 और 120 का सपोर्ट है, ये जो फिलहाल जो लेटेस्ट वाला ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, ये फेल होना हो तो वो फेल कब होगा, जब आगे जाते हुए प्राइस ये 135 और 120 के सपोर्ट के नीचे आ जाता है तब ये भी वो फेल हो जाएगा, है ना। तो एक तो पहली बात है कि इतना बढ़िया सा ब्रेकआउट रहेगा तो आइडियली वो सपोर्ट के नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं, भाव चला तो नहीं सकते, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है ये व्यू फेल होना हो तो 120 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है। तो काम करते समय कोई भी ट्रेड लेने से पहले पहले तो आपने कैलकुलेट करना है भाई इसमें रिस्क कितना है, वो रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूं क्या, उतने रिस्क मैं अफोर्ड अगर कर सकता हूं तो ही ट्रेड लेना है, वो रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं तो ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा थोड़ी ना कि ये एक ही स्टॉक है मार्केट में, एनएससी पे 2200 स्टॉक है, बीएससी पे कुछ 5000 स्टॉक ट्रेड होते हैं, इसमें अकेले में थोड़ी ना कुछ है। तो आपका जो रिस्क है वो आपका रिस्क है ना, तो इसलिए पहला तो आपने रिस्क कैलकुलेट करना है और रिस्क क्वांटिटी कम करना है। रिस्क एडजस्ट करने के लिए क्वांटिटी कम करोगे तो रिस्क कम होता है, स्टॉप लॉस जो है वो वहीं पे रहेगा, यानी व्यू 120 के नीचे ही फेल होने वाला है। वो व्यू हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं रे मैंने ना 140 में बाई किया था ना तो 138 के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख दिया, अरे ऐसा नहीं होता है,
वो आपको जितना रिस्क मांगता है उससे वो स्टॉप लॉस नहीं हिलेगा। स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, जहां पे भी व्यू फेल होता है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वांटिटी एडजस्ट करके आप आपकी रिस्क कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया वीकली चार्ट। अब ये सेम चीज हमें डेली पे भी दिखेगी, सेम चीज जो हमने इनिशियल देखा चार्ट, अब डेली पे इतना बढ़िया सा नहीं दिखेगा क्योंकि ये एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट है, इतना सा ऐसा दिख रहा है। तो अभी फिलहाल तो ये डेली चार्ट हमें कुछ बोल बता नहीं रहा है, इसलिए वीकली पे ज्यादा बेहतर व्यू मिलता है। देखो एक सेकेंड, इसको सुन, ये देखिए है ना, ये वीकली पे ज्यादा बेहतर व्यू मिलता है इस पे, और इसलिए हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। कट इट, समझ में आ गया आपको? तो ये प्राइस किटेक्स ने फिलहाल 135-120 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था एक डेढ़ साल से, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो इसलिए जब तक ये 135 और 120 के सपोर्ट के ऊपर बना रहेगा, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो आगे जाते हुए सपोर्ट बन जाता है। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर बना रहेगा तब तक वो एम करेगा 179 के लिए, 171 के लिए। और ये व्यू फेल कब होगा, जब ये स्टॉक 120 के नीचे चले जाएगा तब ये व्यू फेल होने वाला है, यानी इसके उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर, एकदम क्लियर, कुछ नो सेकेंड थॉट्स, ये भी वो भी, कुछ सवाल पूछने वाला कुछ रहा नहीं ना आपके मन में, जो कुछ सवाल आ गए वो सारे बोल दिए ना मैंने। अगर कुछ मिस कर दिया हो वीडियो पीछे लेके जाइए, फिर से देखिए, कुछ दिक्कत नहीं, मंगता है उतने बार देख सकते हैं, रुक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, सब कुछ कीजिए। तो ये है आज का इंटरेस्टिंग वाला स्टॉक आपके लिए, किटेक्स। ये वीडियो कैसा लगा ये नहीं पूछूंगा, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला कि नहीं ये जरूर पूछूंगा, और वो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं तो आपको सिखाने के लिए मेहनत लेता हूं, आप सीखने के लिए मेहनत लेते हो या नहीं ये आपने डिसाइड करना है। 100 लोगों को जब सिखाते हैं तब ओनली 30% लोग सीखते हैं, 70% लोग खुद के धुन में रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप किस में बैठते हो, 30% में या 70% में, यह आपने सोचना है। आपके लिए है, आपके पैसे हैं, स्टडी कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, बढ़िया से डिसीजन लीजिए। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सिखाएंगे, उन्हें भी आगे लेके जाएंगे। और आपने अगर मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्यों रुके हो, आपका हाथ पकड़ेंगे आगे लेके जाएंगे। नीचे मेरा नंबर दिया, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, आपका इंटरेस्ट हो तो मेरी टीम आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, आपको एनरोल करा लेगी, हाथ पकड़ेंगे आगे लेके जाएंगे। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जामसांडेकर।